अब उन्होंने कहा इस पर उतर जाओ, सोलह बच्चों को बात होता उसने गांठ लगा दी। वो जो गांठ लगाई हुई अच्छा मुकाम, तो सोलह मुकाम पर सोलह बच्चों को बैठा दिया। अब ये बैठ गए, इन्होंने देखा यहां से कुछ नहीं, खाली नक्शा बना हुआ, खाका बना हुआ, तमाम त्रिलोकियों का ये सब कुछ नहीं याद रही। जब हम अपना प्रकाश समझ लेते हैं तो ये सब अंधेरा हो जाता, और जब प्रकाश फैलाते हैं तो जैसे कोई चीज अच्छी दिखाई देती। तो ये कूड़ा कचरा जल पृथ्वी अग्नि ये वायु आकाश ये मतलब है कि लिंग मसाला वह दूसरे मसाला में कारण ये सब दिखाई देता है। या तो कुछ और एक भी जीवात्मा नहीं, एक भी रूह नहीं, ये सब मैं मालिक। फिर उन्होंने सोचा यहाँ तो बहुत समय हो गया, चलो अपने देश में चले आनंद लेंगे, अब आनंद के और मालिक का दर्शन करेंगे। तो जब जाने की तैयारी की तो जाने का रास्ता नहीं, रास्ते आने का जो रास्ता दिया चले। फिर लोगों ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मालिक की मौज मर्जी हुई है, हमको देश निकाल कर दिया, अपने देश से अलग कर दिया, कोई और मौज है, कोई और रचना होने वाली है, तो अब क्या करें। तो अपने स्थान पर सब सोलह के सोलह आराधना कर रहे थे। इतने युग इतने कल इतनी सदियां बीत गई कि आपके कार्य से गिनती हो गई, इतने दिनों तक उन्होंने उसकी आराधना ध्यान दिया। तो मालिक सत्पुरुष उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इन ध्यान से और आराधना से सेवा से प्रसन्न हो गया। तुम सोना अपने मुंह से मुंह से मांगो वही अपने उन्होंने कहा कि अच्छा ये उम्र तो मांगो कहने हमको तो छोटा छोटा सरा दे। उन्होंने कहा अच्छा ये उम्र हमने तुमको दिया, अब वो जो इस मसाले में इस कूड़े कचरे में जो जीवन पर तो थे जो रुए थी वो थोड़ी बह गई मसाला था। तो उसने कहा कि उनको भेजा था तो उन्होंने सब किया है, हमको खुद कर दिया, हम खुद हो गए। तो उसने कहा कि तुम हमारे अपने मुंह से अपने माओ दे जो उन्होंने राज कहा, तो तुम्हारे बगैर नीचे गए हुए लक्ष्मण नहीं होगी, तुम चेतन हो मसाला चढ़े। बस ये बात है कि मसाला जब चढ़े जब पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मिला दिया जाए मोटा जड़ मसाला और इस पर जीवात्मा ना बात कर नहीं करे, तो जीवात्मा आ जाएगी तो ये मसाला आ जाएगा। तुम्हारे बगैर लक्ष्मण नहीं, तो उसने हमारी सेवा की है सोलह ने, तो हमने तुमको दान में दे दिया, तुम जाओ आओ तुमको कोई तकलीफ नहीं देगी। हमने उनसे कह रखा कि इनको तकलीफ मत देना, हम देखो देंगे तकलीफ मत देना, इनको आराम से रखना। तो उन्होंने वचन दिया है कि हम सबको आराम से रखे, हम कोई तकलीफ नहीं, अगर तकलीफ थी तो मैं इनको सबको बुला लूंगा। फिर उन्होंने कहा अपनी आवाज पर तुमको नहीं, तो उन्होंने अपनी आवाज पर इन सब जीवात्माओं को उतारा। उस सागर में से इतने इधर देखो ऐसे मतलब बड़े घड़े सोलह घड़े यदि सागर में से डुबा करके और ये जीवात्माओं के उन्होंने सड़कों के रूपों के लिए एक एक घर और अपने अपने नाम पर उतारा। उनको समझाया कि ये जोड़ी पकड़ के तुम जाओगे तो ये जोड़ी को छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, जब तुम पकड़े रहोगे तो वापस आ जाओगे।
क्या सकते हैं बात, तो सब चली आई और अब अलग अलग लोगों में कोई साथ किया तो सब लोगों में मसाला उतार दिया, कहा मसाला से आओ उनको बैठाओ और आज तो ये हो गया। अब उधर वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतयुग जोगी सब किया, जिसमें भी नरनारी जब ये सब सारे गए थे तो वो सत्य का समय था, सब वो जोगी थे, सब विज्ञानी थे और कर्म ज्ञान परे भाव प्राण सबके सब, एक भी अज्ञानी नहीं, सर्वज्ञ ज्ञानी नरनारी सब पूरे के पूरे जाते थे। जब उनको यहाँ मनुष्य शरीर में जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मसाले को मिलाकर और जब उन्होंने जामुन डाला तो माँ के घर में उसी जामुन का जरा सा पड़ा कोई की नौ मुझसे भी कम और उस पर लेप चढ़ा, उस पर लेप चढ़ा उसके पर, अगर जामुन नहीं पड़ता तो उसमें लेप नहीं चढ़ सकता। तो चार महीने में इतना बड़ा हो गया, इतना माँ के कर। जब पांचवा महीना हुआ तो जीवात्मा वो स्वरूप को देखो इधर ला करके यहाँ दोनों आंखों के बीचों बीच बैठा दिया, इधर देखो ये यहाँ, तो ये शरीर के नाके पर बैठी है, शरीर के अंदर बच्चे बच्चियों नहीं है, शरीर के नाके पर है और सामने स्वर्ग का दरवाजा उसका नाका, इधर विष्णु का दरवाजा उधर सामने स्वर्ग का, बीचों बीच प्रेत को बैठा दिया। तो इसकी तेज रोशनी से दो आंख के सुराग, दो कान के सुराग, दो नाक, एक मौका सुराग और एक खुदा एक नहीं, ये दरवाजे उसने अपनी रोशनी से तैयार कर दिया। आप किसके ऊपर लेप चढ़ा, लेप चढ़ा तो पांचों महीने में छठ में और सात में और आठ में और वो पक गया गड़ा, आगे घर में पक गया, जब पक गया तो नौवे महीने में जो महीना होता है तो जब उसमें हजम नहीं हुआ तो उसका प्रेशर बन गया, ताकत बन गया, फोर्स बन गया, तो उसने जोर से धक्का मारा बच्चे मार गया, पहले कोई अस्पताल में नहीं जाते मार, तो आँख खुली थी, जब देखना ये आँख खुली थी, कान खुले थे और नाक खुली थी, ये डोरी को पकड़े हुए थे, तो जैसे ही आँख खुली वैसे ही कोई फंसा दुखा नहीं, कोई रोक को कोई चौकी पैरा दुखा नहीं, तो सामने डोरी थी उसको पकड़ के चढ़ चढ़ गए। तो ऊपर सबको देखते जाते, इंद्र को भी, ब्रह्म को भी, द्वारा को भी, सबको देखते जाते और अपने अमर पद पे दीदार रोज सब सब बच्चे बच्चे सब करते सब जाते थे, वो चौगा नहीं कोई तारा नहीं था, वो रोक टोक नहीं थी किसी तरह की और पढ़ने में कोई गंदगी नहीं थी। तो ये जीवात तो बैठी उसमें ये काम शरीर में दो सुराख है दो किरण जीवात तो अब एक काम तो दो शरीर में दो सुराख दो सुराख है और उसमें एक नाक, उसमें एक नाक है और दो आपके सुराख, अब हम सुने रास्ता तो पूरा कर आप डोरी को पकड़ के चढ़ गए, क्यों कि मालिक ने ये कहा कि इस नाम पर जाओ तो हमको पुराने के छोड़ना नहीं, तो चढ़ने का उतरने का दोनों दिया कि तुम उतर भी आओ और चढ़ना चढ़ो, अब उनको दिया उतरने का, उनको सोना के सोना चढ़ने का नहीं दिया, आपको उन्होंने रखा तो चढ़ गए ऊपर में उतर आए चढ़ गए, ऐसे फलक मारा गए और एक फलक सब जिससे मेरे मारी सतयुग जोगी सब सर्वज विज्ञानी और कर अंधा कर भव, इस संसार में रहते हुए क्या और सीधे प्रधानमंत्री देखा नहीं बनता
और मतलब और देखते रहे सब सुनते और देखते किताब कागज में लिखी नहीं जाती इतनी खेते उन्होंने